हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट आज मैं दूसरे क्लास में हूं आपके साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में और बच्चों कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था और प्यारे बच्चों आप मान के चलिएगा कि आपके पेपर में एक्टिविटीज से ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूं आगे भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप करेंट एसेट लेते हो, करेंट लायबिलिटीज लेते हो और रिजर्व एंड सरप्लस लेते हो। इन्वेस्टिंग के अंदर हम लोग नॉन करेंट एसेट लेते हो और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लेते हो, ये हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। फाइनेंशियल के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटीज लेते हो और प्यारे बच्चों शेयर कैपिटल लेते हो, यही सब बात हमने किया था अपने कैश फ्लो के पिछले क्लास में। बेटे आज आपसे एक एक एक्टिविटी के बारीकियों को ढूंढते हैं। अगर उन एक्टिविटी से क्वेश्चन आया गया तो देखो मोटे तौर पे हमने यह सीख लिया था कि ऑपरेटिंग के अंदर क्या आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आता है, फाइनेंसिंग के अंदर क्या आता है, पर अब हमें बहुत आराम आराम से एक एक चीजें ढूंढना है कि इन एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली हम एक एक चीजें लेंगे क्या प्यारे बच्चों। तो ये फॉर्मेट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। बच्चों अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आइटम लेते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। उसमें आप इंटरेस्ट पेड प्लस करते हो, टैक्स मेड प्लस करते हो, डिविडेंड मेड प्लस करते हो और जो जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएट हुए हैं, यानी जो जनरल रिजर्व आपने बनाया अपने प्रॉफिट लॉस से, वो चीजें आप ऐड करते हो तो हमें क्या मिल जाता, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकालना सीख लिया है। आगे बात करूंगा कि हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड तो निकालना सीख चुके हैं, अब इससे आगे हम कैसे मूव करें, आगे की क्या रणनीति है। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड निकालने के बाद हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो ऐड कर लेना। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये सारे खर्चे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब खर्चे आपके नॉन ऑपरेटिंग खर्चे में काउंट होंगे। देयर आफ्टर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड होगा बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड में ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस कर दो तो हमें क्या मिलने वाला, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो अब हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लिया है बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम इसके अंदर वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो कैसे वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हो, वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक करेंट एसेट और दूसरा करेंट लायबिलिटीज। ये दो कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल के होते हैं बच्चों। तो करेंट एसेट के साथ जैसे मैंने ओवरऑल कैश फ्लो के अंदर बताया कि एसेट का कैश फ्लो में अपोजिट रिलेशन है और लायबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर करेंट एसेट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो ऐड करना और करेंट एसेट इंक्रीज है तो लेस करना। दूसरी बात, अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज है तो ऐड करेंगे, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज है तो लेस कर देंगे। तो इनका ट्रीटमेंट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड।
अगर बच्चों यहां से हमने टैक्स घटा दिया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये पूरा फॉर्मेट है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक बार फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे और अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिएगा, प्रॉफिट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर गिवन है, डेटर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है, डेटर के अंदर कुछ चेंजेस गिवन है, डीआर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैसे हम लोग पुट करेंगे ये सीखते हैं हम लोग। आओ सबसे पहले तो हम प्रॉफिट लॉस लेते हो, तो प्रॉफिट कितने अमाउंट का है बच्चों? आर प्रॉफिट इज व्हाट बिटवीन 50,000 का प्रॉफिट ले लिया हमने। जनरल रिजर्व के जहां पे प्लेस करेंगे जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व इज 10,000। डेप्रिसिएशन के जहां पे मैं प्लेस करूंगा डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन कहां जाता है बच्चों? डेप्रिसिएशन इज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? योर डेप्रिसिएशन इज अमाउंट इज 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट कितना? 5,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बेटे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर भेजोगे, 10,000 है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट ले लो 10,000। एक बार और समझते हैं तक फटाफट। देखो सबसे पहला काम क्या करना हमने, ये फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आपको याद होगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया, प्रॉफिट उठाया, इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट पुट किया। जनरल रिजर्व के जगह पे डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग खर्चे में जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट। अब यहां तक का टोटल करके बच्चों हम लोग निकाल लेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो 50,000 प्लस 10,000, ये 60,000 निकल कर आया। 60,000 में 20 प्लस करेंगे, फिर 10 प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे और 5 माइनस करेंगे, तो 60 प्लस 20 80 90 1 लाख। 1 लाख से 5,000 लेस हो जाएगा बेटे, यहां तक का आपका आंसर आ रहा है 95,000। 95,000 के बाद ये जो आइटम्स आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ करेंट असेट और कुछ करेंट लायबिलिटीज बताई गई है। तो बेटे करेंट असेट और करेंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट किसके अंदर करते हो हम लोग? वर्किंग कैपिटल के अंदर। आप देखो डेटर पहले 10 था, अब डेटर की वैल्यू 15 है। इट मीन व्हाट बेटे? डेटर इंक्रीज हो रहा है, और डेटर कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5,000 से। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लेस करते हो, तो डेटर यहां रखेंगे आप, और डेटर का अमाउंट कितना उठाओगे? 5,000 लेंगे डेटर का। देयर आफ्टर बिल रिसीवेबल इज 7,000, नाउ इट्स 5,000, तो बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो आर करेंट असेट। तो बिल रिसीवेबल 7 से 5 हो जाना, यानी बिल रिसीवेबल घट रहा है, तो बिल रिसीवेबल अगर कम हो रहा है तो आप इसे एड कर लेना। अमाउंट डिफरेंस कितना? 2,000। नेक्स्ट बेटे स्टॉक इज ऑल्सो आर करेंट एसेट, तो स्टॉक 15 से 18 हो गया, बढ़ गया, तो आप लेस करेंगे कितने अमाउंट से? 3,000 से। देयर आफ्टर प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो योर करेंट एसेट, 2,000 से 3,000 बढ़ गया है, फिर लेस करोगे प्रीपेड एक्सपेंस, डिफरेंस अमाउंट ले लेंगे 1,000। तो 2,000 प्लस होना है, 5, 3, 8 और 1,000 लेस होना है, मीन्स 9,000 लेस करना, 2,000 प्लस करना। तो जब इनको आप टोटल करते हो 95,000 में 2,000 प्लस करना है और 9,000 हमें लेस करना है, तो ये ओवरऑल जब आप प्लस माइनस करके लाएंगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। एक बार फिर समझना बच्चों, प्रॉफिट के जगह पे ले लिया, जनरल रिजर्व के जगह पे ले लिया, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग खर्चे में डालो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में डालो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग खर्चे में डालो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग खर्चे में डालो,
फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, डेटर, बीआर स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, दीज ऑल आर आर करेंट एसेट। और बेटे करेंट एसेट इज ट्रीटेड इन वर्किंग कैपिटल। तो करेंट एसेट अगर इंक्रीज है लेस करते हो, करेंट एसेट अगर डिक्रीज है तो ऐड करते हो। नाउ कम टू करेंट एसेट, डेटर इज 10 to 15 मीन्स इंक्रीज हो रहा है, लेस कर दिया। बीआर 7 to 5 लेस हो रहा है बेटे, अगर लेस हो रहा है तो हमें ऐड करना। स्टॉक 15 to 18 स्टॉक 15 to सबसे पहले तो डेटर 10 से 15 हुआ, बढ़ा लेस करेंगे। बीआर 7 to 5 2000 से घटा, ऐड करेंगे। स्टॉक 15 से 18 बढ़ा, 3000 से लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से 3000 बढ़ा, लेस करेंगे। फिर इनको आप टोटल कर लीजिएगा, आंसर आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकाल लिया है। अगर क्वेश्चन में टैक्स होता तो हम टैक्स लेस कर देते यहां से। अब दूसरे क्लास में हम लोग जब हम कैश फ्लो के तीसरे क्लास में होंगे तो हम सीखेंगे कि कैसे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालते हैं, क्या क्या आइटम्स हम लोग नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हो। तब तक आप सुरक्षित रहे, ध्यान रखें अपना।